CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना उन बच्चों के लिए जो समाज से अलगाव महसूस कर रहे हैं। हम लोग इस पूरे महीने सीरीज रख रहे हैं इंक्लूजन, समावेश के ऊपर, जिसमें सबको जोड़ का साथ चलें। और ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने आप को सोचते हैं और उन्हें लगता भी है और उनके साथ किया भी गया है भेदभाव इस समाज में। जी बिल्कुल, बच्चों के साथ कई बार भेदभाव होता है। इनफैक्ट हम देखते हैं कि स्कूल्स में फॉर एग्जांपल भेदभाव होता है और बच्चे आपस में ही कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कई बच्चे एक्सक्लूडेड फील करते हैं। फॉर एग्जांपल बुलिंग बहुत होता है और उस वजह से बहुत बच्चे अपने आप को अलग महसूस करते हैं एंड एक्सक्लूडेड फील करते हैं, और सो दैट इज़ नॉट गुड। और इसका उनके मन पर, उनके मानसिक सेहत पर बहुत गहरा प्रभाव भी होता है। जी हाँ, और वो अपने आप को सोचते हैं कि वो किसी योग्य नहीं है एंड किसी भी आगे जब बड़े हो जाते हैं तो भी वो उसी इनसिक्योरिटी में जूझे रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है कि माँ बाप बच्चों के साथ बातचीत करें एंड एज अ फ्रेंड वो जानें कि बच्चे क्या स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं, शायद घर पे, शायद प्ले ग्राउंड्स में, शायद जो हमारी बिल्डिंग्स में जो बच्चे जब आपस में खेलते हैं वहाँ पर, या फिर चर्च में भी हो सकता है कि बच्चे ऐसा फील कर रहे हों। तो बहुत अच्छा है कि अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ बातचीत करें एंड एज फ्रेंड्स पता लगाएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके थ्रू हमारे बच्चे गुजर रहे हैं, और उन्हें बताएं कि वी लव देम डिस्पाइट वट एवर, यू नो वी लव देम, अपने अनकंडीशनल प्रेम का उन्हें बार बार एहसास दिलाएं। आई एम श्योर दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर आवर चिल्ड्रन। एंड दोस्तों, इसका मतलब है कि हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर वो वीक फील कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराएं अनुका चोफी से, जिन्होंने भी अपने जीवन में एक्सक्लूडेड फील किया। अपने स्कूल में एक कोने में बैठकर वो टिफिन खाया करते थे पूरी तरह से अकेले, लेकिन कभी कभी उनके आंसू उनके साथ होते थे। कई बार जीवन में उन्होंने अकेला महसूस किया और उनका अकेलापन बढ़ता गया तब तक जब तक उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं पुकारा। जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा उनके जीवन में क्या बदलाव आया, आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें। बचपन में मैं बहुत ही संकोची किस्म का इंसान था। मेरे दोस्त तो थे पर ज्यादा नहीं। क्लास में भी मेरे दोस्त कम ही थे जिनसे मैं बात करता था। ऐसे कुछ दिन थे जब रिसेस के दौरान मैं अकेले एक ऐसी जगह पर चला जाता जैसे कि कोई बिल्डिंग जो बन रही हो, वहाँ मैं अकेले ही अपना खाना खाता। और जब भी मैं एक निवाला लेता, मुझे याद है मैं रोता था और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते। मुझे लगता है कुछ इस तरह से ही मुझे डिप्रेशन होना शुरू हुआ। उन दिनों की ही बात है कि मैं एक लड़की से प्यार कर बैठा। अफसोस, उसने मुझे कई बार ना कहा और शायद उसी पल से ही उस ना कहने की वजह से और नाकामयाबी की वजह से जो मैंने अपने जीवन में देखी, वो सब एक साथ मुझ पर हावी हो गई। मुझे लगता है वो मेरा सबसे कमजोर पल था। मैं अपनी सोच से खुद को इतना खोया हुआ और कटा हुआ महसूस करने लगा और मैं सही से सोच नहीं पा रहा था। ऐसे समय में मेरे पास कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को बांटूं या जिससे भी मैं गुजर रहा था, और वो मेरे जीवन का सबसे बर्बाद कर देने वाला पल था। मैंने खुद का कप्तान बनने का फैसला किया और मैंने उन चीजों पर काम करना शुरू किया जो मेरा ध्यान भटकाए, जो मुझे ज्यादा सोचने से रोके और बेचैन और डिप्रेस करने वाली बातों से दूर रखे। इन सभी चीजों ने मेरे दिमाग को कुछ हद तक दूसरी चीजों पर ध्यान देने में मदद की, पर उसने मेरे मन को कभी भरा नहीं। और मुझे लगता है कि वो वही पल था जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे प्रभु की जरूरत है। मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं घुटने टेकूं और प्रार्थना करूं। मैंने उनको कहना शुरू किया,
प्रभु को कि प्रभु अगर आप असल में हो और आप यहाँ हो और आप देख रहे हो कि मेरा दिल उन सभी चीजों से पत्थर हो गया जो मुझे नीचे की ओर धकेल रहा है, हर वो सोच जो मुझे बेचैन और कमजोर कर रही है, और अचानक उस पल मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। वो भारीपन से भरा हुआ जो दिल था वो रुक गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल को किसी ने संभाल लिया है और अचानक से मैं अच्छी तरह से सांस ले पा रहा हूँ। और उस समय मुझे एहसास हुआ कि प्रभु असल में हैं। मुझे एहसास हुआ कि यीशु ही मेरे करीबी दोस्त और मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। उन पलों में भी जब मैं नहीं जानता था कि वो हैं, उस रात से मेरा प्रभु के साथ रिश्ता, यीशु के साथ रिश्ता और गहरा होता गया। ठीक उस गाने की तरह व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, जहां वो बात करता है हमारे बोझ की, हमारे भारीपन की, जो हम प्रभु तक अपनी प्रार्थनाओं के जरिए ले जाते हैं। आज भी जब मैं उन मुसीबतों और बीमारियों या किसी भी तरह की परेशानियों से गुजरता हूं जो मेरे रास्ते में आती हैं और मेरा दिमाग या सोच खराब करते हैं, मैं उन्हें प्रार्थना से प्रभु को सौंप देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मेरे जीवन में प्रभु हैं, मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थिति है, मैं मुक्त हूं। हालांकि अब भी मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं, मेरा मन शांत है, अब ये मन और नहीं सहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा मेरी तरफ ही रहेंगे, वो हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। दोस्तों, अनुका की तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, इन्फीरियर फील कर रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं अपने आप को। लेकिन अनुका ने बहुत अच्छे से कहा कि उन्होंने अपने अकेलेपन में अपने साथी को पाया। He found his best friend in his loneliness. अपने अकेलेपन में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जो बच्चे एक्सक्लूडेड फील करते हैं, जिनके साथ भेदभाव किया गया है। और ये बड़े होने के नाते कभी कदार हमारे साथ भी हुआ होगा, हम भूल गए होंगे, मगर छोटा बच्चा जो असहाय है और जिसके साथ कोई है नहीं, उसके साथ जब ये होता है तो उसके दिल को ज़्यादा चोट लगती है। मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसी सिचुएशन की जिसमें एक बच्चा, नौजवान, इस सिचुएशन को फेस करता है और उससे कैसे जूझता है। वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में जोसेफ की कहानी, और उस कहानी में और कोई नहीं, उसके खुद के भाई उसको दगा दे देते हैं, उसको मारने के लिए तत्पर होते हैं, मगर जैसे तैसे कोई उसको कहता है कि उसे मत मारो, तब वो उसको बेच देते हैं, उसको एक नौकर बना के, स्लेव बना कर बेच देते हैं। आप सोचिए उस बच्चे के दिल पे क्या जा रही होगी, उसको उसके खुद के भाई बेच देते हैं और वो दूसरे मुल्क चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है। वचन उसकी कहानी का सारांश बताता है उत्पत्ति 50:19-20 में। आइए देखें वचन क्या बोलता है। वचन में लिखा है, यूसुफ ने उससे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिसे वो ऐसे करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों का प्राण बचे। ये वचन जो मैंने पढ़ा वो तब की घटना है जब वो भाई, जिन लोग ने उसको बेचा था, मारने की कोशिश करी थी, वो लोग अब उसके पास आते हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है मिस्र का, और उसके पास खाने के लिए आते हैं और वो उनको वहीं पे बसाता है। और जब उसकी आइडेंटिटी का खुलासा होता है तो वो डर जाते हैं, मगर वो कहते हैं मेरे से मत डरो, प्रभु से डरो। अब प्रभु जो असंभव है उसको संभव करता है, जो तुम लोगों ने मेरे प्रति गलत करा था प्रभु ने उसको बदल के अच्छाई में बदल दिया। तो आज अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, इस घटना को जान रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं, तो ये जानिए कि प्रभु जो आप सबके साथ उल्टा सीधा गलत हुआ है उसको सही बदल सकता है, सही में बदल सकता है। और बच्चे जो इस समय इस दबाव में हैं, इस किस्म के मानसिक तनाव में हैं, उनको आप बता सकते हैं कि नहीं, प्रभु है जो आपके साथ जो गलत किया है उसको बदल के सही कर सकता है। आप लोग प्लीज़ हौसला ना हारें,
प्लीज आशा ना छोड़ें, प्रभु में बने रहें। एक दिन ऐसा आएगा जो जो गलत हुआ है वो सही होगा और आप प्रभु में विक्टोरियस होंगे, तो प्लीज आशा ना छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, आशा ना छोड़ें। हमारे बच्चे अपने स्कूल्स में या प्लेग्राउंड्स में अलग अलग जगह पर एक्सक्लूशन का सामना करते हैं। कभी कभी हम पेरेंट्स को पता नहीं चलता, लेकिन वो भी अपनी स्ट्रगल से गुजरते हैं शायद रोज़ाना। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना करें। अगर आज वो ऐसे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं तो वो जानेंगे कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर उनके साथ है। आइए CBN प्रेयर लाइन में आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9910401010। द बेस्ट दैट वी कैन डू इज टू प्रे फॉर आवर चिल्ड्रन। दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और रेवरेंड दीपक साइलेस के साथ प्रार्थना में जोड़ेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। यू कैन स्टैंड इन दिस गैप एंड प्रे फॉर देम इन इंग्लिश, हिंदी और योर रीजनल लैंग्वेज। To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. Hello, dosto, and welcome to CBN Prayer Line. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में, जो हमारे फैमिलीज और समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर बच्चा कभी ना कभी रिजेक्शन या एक्सक्लूजन फेस करता है और आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैथल मेथोडिस्ट चर्च से पास्टर दीपक सिलास। वेलकम पास्टर। थैंक यू निवेदिता, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी विद CBN। सो पास्टर, आज हम उन सारे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो कभी ना कभी जिन्होंने एक्सक्लूजन फेस किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कई रीज़न की वजह से एक्सक्लूजन फेस करते हैं, उनको रिजेक्ट भी किया जाता है, या वो परिवार में हो, स्कूल्स में हो या फिर सोसाइटी हो। इसकी क्या वजह हो सकती है और ये कैसे उनके जीवन पर इफ़ेक्ट करता है? बहुत से बच्चे जो अपने अपीयरेंस की वजह से, है ना, यही कह सकते हैं, बहुत से बच्चे जो अपने परिवेश की वजह से, या बहुत से बच्चे जो अपने किसी भी बैकग्राउंड या उनका जो पृष्ठभूमि किस रीति से है, है ना, तो वो बातें उनके जीवन में एक चुनौती की रीति से बहुत बार अनुभव की जाती हैं और इसलिए वो अपने आप को बहुत सी परिस्थितियों में सेक्लूडेड यानी अलगाव सा महसूस करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, मुझे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये भी बता सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो ब्रोकन फैमिली से आते हैं, जिनके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहा है, उनको भी अलग रखना चाहते हैं लोग। लोग सोचते हैं कि वो क्या हमारे से दोस्ती करने लायक है कि नहीं। दूसरा कि हमने काफ़ी बार देखा है कि जो बच्चे अडॉप्टेड हैं उनको भी जल्दी समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, एक ऐसे शक की नज़र से देखता है कि कैसा ही इंसान होगा ये। और सोशली जो अपर क्लास और लोअर क्लास जो कंपैरिजन बच्चे करते हैं कभी कभी, वो तो मैं देख के हैरान रह जाती हूँ कि बच्चे नहीं इंक्लूड करना चाहते अगर सोशल डिफरेंस है, उनके सोशल स्टेटस का डिफरेंस है। सो वैसा एक्सक्लूजन भी देखा गया है। बाइबल में किसने ऐसे सिचुएशन में बच्चों की तरफ काइंडनेस दिखाई है, या कोई भी ऐसे बिब्लिकल एग्जांपल जो हमें आप याद दिलाना चाहें? बहुत अच्छा सवाल है ये निवेदिता। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के मन को भाने वाला व्यक्ति था और उसका नाम है दाऊद। जी, दाऊद की शाऊल जो कि इसराइल के ऊपर पहला राजा था, उसके साथ में एक बड़ी राइवलरी रही, दुश्मनी, ना, दुश्मनी की रीति से कह सकते हैं। बिल्कुल। तो वह अपने सेवकों को भेजता है कि वो पता करें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी भी शाऊल के घराने से संबंधित है, तो क्या वो अभी भी उपस्थित है, जिंदा है? तो उसके सेवक उसको बताते हैं कि मपीबोशेत, जो कि तेरे मित्र यानी कि योनातान का पुत्र है और शाऊल का पोता है। तो दाऊद कहता है उसे कि उसे मेरे पास में बुलाओ। तो दाऊद उसकी अवस्था को देखता है, क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी बताई गई है कि वो यानी मपीबोशेत दोनों पैरों से अपंग है, यानी वो चल फिर नहीं सकता। ये बात जब दाऊद देखता है, उसकी परिस्थिति को देखता है, उसकी शारीरिक चुनौतियों को देखता है, तो उसका हृदय जो है वो नम्रता से भर जाता है।
वो कहता है कि जो कुछ शाउल से संबंधित है ना, उसमें से जो भी पैदावार निकले उसकी जो कमाई है वो मपीबोशेत को सौंपनी चाहिए ना, और ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, सही रीति से वो अपना जीवन का यापन कर सके। जी बिल्कुल, मतलब कि बच्चों के टुवर्ड्स काइंड रहना बहुत ज़रूरी है। उनको कोई रिजेक्ट कर रहा हो या भले ही वो अलग देखे जा रहे हो, लेकिन हमें एज अडल्ट उनको एक काइंडनेस, एक रेस्पेक्टफुल वे से ट्रीट करना है। पास्टर, इस समय में जो सारे लोग हैं, जो सारे बच्चे हैं या जो लोग जिन्होंने बचपन में रिजेक्शन फेस किया है, मैं चाहूँगी हमारे ऑडियंस के लिए आप प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवादिता के साथ आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाए हैं। हाँ पिता, इस बात को जानते हुए कि हमारे जीवन पर संपूर्ण अधिकार आप ही का है, पिता इस समय हम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अपने जीवन को में किसी भी रीति से किसी रिजेक्शन को अनुभव कर रहे हैं। पिता, आपने उनके जीवन की परिस्थितियों को जाना है, क्या वो बातें हैं जो उनके जीवन को एक सामान्य जीवन जीने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपका वचन सिखाता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हमारी सहायता आप ही की ओर से है पिता। ये बच्चे जिनके विषय में आपका वचन सिखाता है कि आप बच्चों से प्रेम रखने वाले परमेश्वर हैं, उसी वचन की महिमा को पिता परमेश्वर इन बच्चों के जीवन में इस रीति से पूरा करें कि जब ये बच्चे अपने जीवन की परिस्थितियों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, अपने जीवन की चुनौतियों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं, तो आप अपनी दया में, अपने अनुग्रह में इनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें पिता। इनकी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लें और इनके जीवन को उस मार्ग में आगे बढ़ाएं जो मार्ग इनके जीवन को बहुतायत से आप में और अधिक आशीषित और अधिक महिमा के योग्य बनाता है। सभी बातों में पिता आप ही को आदर देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए प्रार्थना करने के लिए। आई होप कि इस कॉन्वर्जेशन ने आपकी बहुत मदद की होगी। दोस्तों, याद रखिए कि परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना के द्वारा आपको अपने चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत मिलती है। तो अभी आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना के लिए CBN प्रायर लाइन से जुड़ें। हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन 16 जून को हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन सारे लोगों के लिए जो सोसाइटी में, अपने ऑफिसेज या फैमिली में रिजेक्शन फील करते हैं और उस रिजेक्शन की वजह से उनके मन में कड़वाहट भर गई है। अब हम चलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया रेवरेंड दीपक साइलेस एंड निवेदिता बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और प्रार्थनाओं में जो बल है वो हम जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों ने इस प्रार्थना को सुनकर इसमें शामिल होकर प्रभु की सामर्थ को महसूस करा होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रार्थना में बल है, और अगर आप अभी तक आपने इस बल को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो समय है कि हम मिलकर प्रार्थना करें। दोस्तों, CBN प्रेयर लाइन इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर ऑन द 27th ऑफ जून एट 3 PM ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप जरूर शेयर करिएगा, ताकि मिलकर प्रार्थना करें और मिलकर हम परमेश्वर के बल को, उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। और दोस्तों, हमारा प्रेयर लाइन नंबर जरूर याद रखिएगा, 9910401010 9910401010। ये नंबर आपके लिए मौजूद है और आप इस नंबर पे कॉल करके कभी भी प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब समय है कि हम आप ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे यहीं पे। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. Ye unique gifting aapko allow karega to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. Yehi nahi, aap ek unique group Thanksgiving prayer choose kar sakte hain to honor your school, church ya organization. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens, aapki community ke. Ye unique Thanksgiving prayer broadcast hoga national TV pe aur feature hoga on CBN India YouTube channel. Isliye abhi visit karein www.cbnindia.org and go to CBN offerings. Agar aapke special ones miss kar dete hain telecast ko, it will always be there for them to watch on CBN India Facebook page and YouTube channel.
वेलकम बैक दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं खास प्रार्थनाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको इस सोसाइटी में और इस जगह पर काफ़ी एक्सक्लूशन को फेस करना पड़ रहा है। आज शुक्रवार है और हम प्रार्थनाएं करेंगे और खास तौर से शुक्रवार को करते हैं शुक्रिया शुक्रवार प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, समय हो गया है शुक्रिया शुक्रवार का। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। हमें इंतजार रहता है आपके इंकरेजिंग मैसेजेस का और अब समय है कि हम इन्हें पढ़े। आइए देखें ये पहला मैसेज। हमारे दर्शक कह रहे हैं, मुझे ये एपिसोड बहुत ही अच्छा और रिलेटेबल लगा जिसमें आपने मैरिजेस के बारे में बात की है। विशेष रूप से आज के दौर में जहाँ कोई युवाओं के जीवन में निरस्ता और दबाव बहुत ही अधिक है, उन युवाओं को शिक्षित करने, मार्गदर्शन करने और संस्कार देने का CBN इंडिया की टीम ने अद्भुत तरीका निकाला है जो आज के हमारे युवाओं को मजबूत मार्गदर्शन और नेतृत्व करेगा। फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। हमें बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़कर, बहुत इंकरेजमेंट मिली। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि और बहुत सारे लोग एक नई जिंदगी को देखें और इससे आशीष पाएं। जी हाँ दोस्तों, आपके जो मैसेजेस आते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंकरेजिंग होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे मैसेजेस हैं जहाँ आप हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह एक नई जिंदगी प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है, आपको आशीषित किया है, तो आप ऐसा ज़रूर करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके मैसेजेस पढ़कर। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप थैंक्सगिविंग प्रेयर गिफ्ट करना चाहते हैं किसी ऐसे लव्ड वन को जिसने आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, किसी इंस्टीट्यूशन को जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत आशीष आई है, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ cbnindia.org/cbnofferings पेज पर जाकर आप थैंक्स गिविंग प्रे गिफ्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, कितना अच्छा लगता है कि जब कोई प्रोत्साहन देता है और एनकरेजमेंट देता है और उसको अगर हम प्रभु के पास लेके जाएं तो प्रभु की महिमा होती है। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं, शुक्रगुजारी की प्रार्थना करेंगे और खास तौर से प्रभु की महिमा, प्रभु को महिमा देंगे इन शुक्रगुजारी की प्रार्थनाओं के साथ। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम इस दिन के लिए, इस समय के लिए और खास तौर से इन प्रार्थनाओं के विषय जो आए हैं धन्यवाद के, इनको जानकर कि सिर्फ हम लोग अकेले स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, बहुत से लोग जो हैं इन प्रोग्राम्स को देखते हैं, सुनते हैं, आशीष पाते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं प्रोडक्शन टीम में, एडिटोरियल टीम में और इवन सोर्स जहां से ये गाने आते हैं और टेस्टिमनीज आती हैं, प्रभु जी उन सबको अगर जोड़ा जाए तो देखकर ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा समूह है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस जमघट के लिए मालिक। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे और मौके आते रहें जो आपके लोगों को, आपके जनों को आपसे आशीष मिलती रहे इन टेस्टिमनीज के द्वारा, आपके भजन गान के द्वारा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये शुक्रगुजारी की जो प्रार्थनाएं हैं और मैसेजेस हैं ये आते रहें, इसलिए नहीं कि हमारी वाहवाही हो, इसलिए हो क्योंकि आपकी महिमा हो। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शुक्रगुजारी जो है ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करा है या दिखाया है। ये शुक्रगुजारी इसलिए है कि हम प्रभु से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमारे लिए ये मुमकिन करा है कि हम उनकी उपस्थिति को, उनकी गुडनेस को सेंसिटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं। जी दोस्तों, लेट अस कीप थैंकिंग आवर लॉर्ड, ही इज आवर गुड लॉर्ड, लेट अस कीप थैंकिंग हिम। और आइए, समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। इस वचन में पिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चाहे दुनिया हमें भूल जाए, चाहे हमारे परिवार जन हमें भूल जाएं, चाहे हमारे भाई बहन हमें भूल जाएं, शायद हमारी वर्क प्लेस में हमें सराहना ना मिले, लेकिन परमेश्वर आज हमसे और आपसे कह रहा है, आई विल नॉट फॉरगेट यू। वो आपके साथ है,
आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना सुंदर वचन है। प्रभु सबसे करीबी रिश्ते को सामने लेकर आता है और कहता है मेरा रिश्ता तुमसे उससे भी ज्यादा करीब है। दोस्तों आज हमने अनुका चौफी की जीवन से देखा कि जब वो बहुत अकेले थे और हर किस्म से निराश थे, उन्होंने प्रभु को जाना और प्रभु के प्रेम को, प्रभु के स्पर्श को, प्रभु की क्लोजनेस को जाना, और उसके बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया वो एक सोर्स बन गए दूसरों को एनकरेजमेंट का देने का। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सब मिलकर लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें, उनके चैलेंजेस के लिए, उनकी स्ट्रगल्स के लिए, एंड लेट अस शो अनकंडीशनल लव टू आवर चिल्ड्रन। आशा करते हैं दोस्तों कि आज के एपिसोड ने आपको बहुत इंकरेज किया है। समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, और जाते जाते आज सेंट माइकल चर्च सुकेत कोटा की कॉयर हमारे लिए गा रही है गीत हम गाते रहें। आइए हम मिलकर इस गीत को सुने, इससे आशीष पाएं, और ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दोस्तों उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपको आशीष मिली होगी। अब समय है कि हम आपसे इजाजत लें। हम आपसे सोमवार को मिलेंगे सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। विधवा